हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम सा। मिनल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम चॉकलेट कोटेड बादाम और काजू बनाने वाले हैं, और वो भी रोस्टेड। सो इसको बनाना बहुत ही आसान है, और वैसे भी चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन तो सबको ही पसंद आता है। इसको बनाने में कितना टाइम लगता है और कैसे बनता है ये, चलिए देखते हैं। आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है। सो इसको बनाने के लिए हमने नमक और बादाम लिए हैं। आप कोई भी वैरायटी के बादाम ले सकते हो। सो सबसे पहले हम इनको रोस्ट करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है जिसको मैं मीडियम हीट पर गर्म करूंगी, और उसमें नमक और बादाम डालूंगी। सो इट्स अप टू यू कि आप कितने बादाम लेना चाहते हो और कितने रोस्ट करना चाहते हो। तो हम इसको एकदम अच्छे से 5 से 7 मिनट तक रोस्ट करेंगे। और एक चीज का ध्यान रखना है कि नमक लाल नहीं होने देना है, या फिर बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना इसको, नहीं तो वो जल जाते हैं। तो इसके लिए हमें इसको 5 मिनट तक मीडियम से थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे आप रख के गर्म कर सकते हो। और उसके बाद जब इसमें क्रैकल्स आए, आप गैस को स्विच ऑफ कर दो, या 2 मिनट तक और चला के उसको स्विच ऑफ कर दो। तो इसको रोस्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये देखिए रोस्ट हो चुका है, और अब हम इसको एकदम अलग से निकाल देंगे। फटाफट से निकालना है, नहीं तो ये और इसमें हीट बढ़ती रहती है नमक की वजह से। सो ये हमने निकाल दिए, हमारे रोस्टेड बादाम तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से हम काजू को भी रोस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ काजू लिए हैं जिसको मैं उसी नमक में गर्म करने वाली हूँ, रोस्ट करने वाली हूँ। बट इसके लिए आप हो सके स्लो फ्लेम पे कीजिए इसको रोस्ट करने के लिए। फ्लेम को स्लो रखिए, और इसको टाइम भी बहुत कम लगता है बिकॉज काजू जल्दी ही रोस्ट हो जाते हैं। इसको 4 से 5 मिनट लगते हैं, बट आप इसको पहले स्टार्टिंग में मीडियम से स्लो फ्लेम कीजिए, उसके बाद उसको आप स्लो फ्लेम पे कर दीजिए 3 मिनट के बाद। ये देखिए थोड़े लाल हो गए हैं, हम इमिडिएटली इसको निकाल देंगे गैस को बंद करके, और इसको चलाते रहना बीच बीच में ताकि ये गर्म ना हो एक जगह से। तो ये हमारे काजू भी तैयार हो चुके हैं रोस्टेड। अब हमने यहाँ पर देखिए रोस्टेड काजू, रोस्टेड बादाम और चॉकलेट्स ली है। डार्क कंपाउंड है और मिल्क कंपाउंड है। इसमें हम डार्क कंपाउंड चॉकलेट को डबल लेंगे एज कंपेयर टू मिल्क कंपाउंड। अगर आपने एक बार मिल्क कंपाउंड का लिया है तो 2 बार आपको डार्क कंपाउंड के लेने हैं। तो ये हमने काट लिए हैं मिल्क कंपाउंड एंड डार्क कंपाउंड टुगेदर, इसी में ही मैंने मिक्स किया है। अब हम इसको डबल बॉईल करेंगे। आप चाहो तो माइक्रोवेव में कर सकते हो, यहाँ पर मैं गैस पे ही करूँगी। एक मैंने पतीला लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है, और ये दूसरे बाउल में हमने चॉकलेट्स काट के रखी है उसको मैं ऊपर रखूँगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी बाउल से टच नहीं होना चाहिए, और आप इसको स्लो फ्लेम में धीरे धीरे मेल्ट कर सकते हो। ये देखिए एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुकी है हमारी चॉकलेट। स्विच ऑफ द गैस, और इसको हम रिमूव कर देंगे वहां से, और थोड़ी देर इसको चलाते रहिएगा। ये हमने बटर पेपर लिया है, आप चाहो तो प्लास्टिक की ट्रे भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है बटर पेपर लेना, बट मैंने यहाँ पर इसको यूज किया है। और मेल्टेड चॉकलेट में हम लोग सबसे पहले रोस्टेड आलमंड डालेंगे। ये बादाम डाल दिया हमने, उसको एकदम अच्छे से कोट करेंगे, और फोक की सहायता से एक्सेस चॉकलेट है, जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है, उसको टैप करके रिमूव करेंगे और उसको रख देंगे बटर पेपर पे। इसी तरह से मैं पूरे बादाम को इसी तरह से कोट करके रखूंगी साइड में। जब आप इसको कोट करके रखते हो तो डिस्टेंस, थोड़ा डिस्टेंस पे रखिए। फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इसको बनाना बहुत ही मजेदार लग रहा है ना। चॉकलेट्स के साथ वैसे भी काम करना बोले तो खेलने के बराबर है। यू एंजॉय इट। इसी तरह से हम लोग काजू को भी करेंगे, कोट करेंगे।
So like this we have done it. अब इसको हम लोग deep freeze करेंगे, freezer में रखिए 10 minute के लिए. 10 minute बाद हमारे roasted almond and काजू chocolate के साथ बहुत ही अच्छे से coat हो चुके हैं. It's ready to eat now. I hope you like my recipe. अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, आप सब्सक्राइब करना प्लीज 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 मत भूलिएगा. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी.